गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, पूनम जागरण ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे, और सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि अभी चल रही थी दो तीन दिन से बारिश बहुत ज़्यादा। आज मौसम थोड़ा अच्छा है और ब्रूनो मेरे साथ आया। ये पत्ते पत्ते गंदे बच्चे, कुछ भी मिल जाए मतलब सुबह सुबह चबाता रहेगा पत्ते। पता नहीं इनको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है हर चीज़ की, जानवरों को सुबह सुबह ना जो सारे पत्ते नहीं, कोई कोई पत्ता इसको पता नहीं अच्छा क्यों लगता है, उसको काट काट के खाता रहेगा गंदा बच्चा। बुनो इनको भी पता है ना यहाँ के नेचर से कैसे जुड़े रहना चाहिए, पेड़ पौधों को सूंघता फिरेगा, इनको काट काट के खाता रहेगा। ये देख देख पूरे पूरे पेड़ पौधों की इंक्वायरी कर रहे हैं। और सूर्य देवता भी आ चुके हैं, ये देखिए दिख रहे हैं, नहीं पता नहीं। और ये देखो छोटी छोटी चिड़िया दिख रही है, ये बहुत कम मिलती है ना आजकल ये छोटी चिड़िया। ब्रूनो होगी इंक्वायरी पूरे गमलों की, छोटी छोटी चिड़िया की आवाज़ अच्छी लगती है ना आजकल, ये ख़त्म हो गई बता रहे हैं, पर है हमारे यहाँ तो घूम रही छत पे। और ये गंदा बच्चा कुछ कुछ खाता रहेगा, ऐसे सब सब गमलों की इंक्वायरी करता रहेगा। और एक बात और, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो कल आज उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है, एक बार मार्केट में भी जाना है, थोड़ा सामान लेके आऊँगी। और कुछ तो मैंने कर ली थी जैसे सिलाई विलाई सूट की, अब कपड़े जो भी थे वो तो लिए आई मैं, कर लिए मैंने सिलाई, दिखाऊंगी आप लोगों को कि आवाज़ कर है भाई इतना। जैसे मैं ऊपर आई मेरे साथ आ गया, तो आप अब सुबह की जो रूटीन के काम है वो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सुबह सुबह का था, एक बार काम कर लिया था मैंने, नाश्ते की तैयारी हो गई है, प्रदीप गया कॉलेज में, मनीषा का भी टाइम है, वो दोपहर वाले कॉलेज में दोपहर के बाद जाएगी मतलब के, तो तब तक अभी मेरे पास थोड़ा सा एक घंटा का टाइम था। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहा के बिना नहाए एक बार थोड़ी देर सिलाई कर रही हूँ देखो, क्योंकि मेरे को ये सूट आज ही सिलना था, अगर सिल गया तो आज शायद मैं ये डाल भी लूँ, क्योंकि आज जाना है कहीं, मैं बाद में बताऊँगी, हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले भी हैं तो वो बाद में बताऊँगी मैं आप लोगों को, कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। अभी मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ सिलाई, एक घंटा लगेगा इसको सिलाई करने मतलब सिलने में सूट को, तो तब तक मैं ये तैयार कर लेती हूँ, अगर ये होता है तैयार तो मैं इसको डाल के जाऊँगी आज। और कल शादी की सालगिरह है तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी थी, क्योंकि मेहंदी लगवानी है, तो मैंने देखो अभी घर से लगवा के थे वो थोड़ी छूट गए, थोड़ी सी बाकी है, तो एक हाथ पे शायद मैं लगवाने के लिए चली जाऊँ, एक पद मैं खुद लगा लूँगी, क्योंकि दोनों में लगाऊँगी तो फिर काम नहीं होगा, और कहीं जाना भी है तो इसलिए देखेंगे आज, हो सकता है तो लगवाऊंगी, अगर नहीं लगी तो देखेंगे कुछ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट सिलाई, मैं बीच में काम छोड़ के सिलाई का, और मैं नहा चुकी हूँ और मनीषा भी कॉलेज के लिए तैयार हो गई है, इसको मतलब जाना था इसलिए मैं बीच में छोड़ के काम थोड़ा सा तो काम कर लिया था, वैसे नाश्ता वास्ता तो मम्मी ने कर लिया तैयार, मैंने झाड़ू पोछा झाड़ू कटका जो भी होता है पता नहीं बोलते हैं झाड़ू कटका, और मैं भी नहाई हूँ, सूट वैसे सिल गया, सलवार भी तैयार है, उसके पाँचे थोड़े बनाने बाकी हैं, प्लाजो पैंट नहीं बनाई उसकी, बाकी सूटों की सबकी प्लाजो पैंट बना रही, उसका कपड़ा थोड़ा अलग था इसलिए उसकी सलवार बना दी, और मैडम हो रही है तैयार, ये उसके कॉलेज के लिए रेडी, इस साइड की जा रही है, जाने नहीं कर ले जल्दी से, टाइम पास कर रही फालतू का, देखा बाय। आजकल इसकी रेल बनी हुई है कॉलेजों में जाने के लिए, क्योंकि वैसे तो कुछ करती नहीं, और अभी कॉलेज में जाना था, सुबह सुबह भाग दौड़ होती है सबकी, और कुछ काम घर का नहीं करती, मैं बोल रही थी मैं कुछ काम करवा दे घर का, नहाने को उसकी बहाने जबरदस्त बहाने हैं इसके पास, अगर किसी को बहाने की या फिर टाइम पास की क्लास चाहिए तो हमारे घर में फ्री ऑफ कोर्स मिलती है, आप लोगों को चाहिए तो मैसेज करना, हम आप लोगों को फ्री में फ्री रहने की और टाइम पास करने की क्लासेस हम आपको दिलवा देंगे, और एकदम एक्सट्रीमली वो क्या बोलते हैं एक्सक्यूज हमारे घर में है, बहुत ज़्यादा टैलेंट तो कमी नहीं है हमारे घर में, टैलेंट की तो कुट कुट के भरा हुआ है ना मनीषा।
तो फ्रेंड्स मेरे सिलाई भी हो चुकी है, मेरा सूट भी तैयार हो गया है और मैं सुबह बोल रही थी ना कोई आने वाला है, तो मेरी मम्मी भाई भाभी बच्चे सभी आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो हम गए थे, एक दिन पहले गए थे पूजा, मतलब वो मुंडन हुआ था बच्चे का, तो वो गए थे हमारे देवसर धाम है वहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर गुड़गांव, तो आज मैं उनके साथ जाऊँगी, वो आने वाले हैं बस अभी, शाम के 4 बज चुके वैसे तो बस जब 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, जब तक मैं जा रही हूँ ऊपर मार्केट में, तो मैंने बोल रही थी ना मार्केट से कुछ काम था, मेहंदी लगवानी थी एक तो मेन, तो और कुछ थोड़ा बहुत और कुछ सामान लेके आना, तो वो लेके आऊँगी, तो मैं जाऊँगी प्रदीप के साथ, क्योंकि मनीषा चली गई कॉलेज, प्रदीप अभी आया है, अकेले मेहंदी लगा के आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो स्कूटी नहीं चला पाऊँगी मैं, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ प्रदीप को, और प्रदीप जाएगा मेरे साथ, तब तक वो लोग आए मिलेंगे शायद, या तो नहीं तो मैं आ जाऊँगी इतने देर में, तो जब तक वो आ जाएंगे, तो आज शाम को जाना हमने शीतला माता मंदिर में पूजा करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो चलिए अगर मैं जाके आती हूँ मार्केट में, दिखाते हैं अगर मार्केट में थोड़ी बहुत वीडियो बनी तो ठीक है, और मेहंदी लगवा के आ रही हूँ मैं, चलो ये तो लंबी हो, आज ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, ये गाड़ी नहीं ये वाली गाड़ी, तो हम अपने ड्राइवर के साथ जा रहे हैं मार्केट में, जो कि गाड़ी भी यही चलाता, स्कूटी भी यही, बाय बाय कर दादी को, बाय बाय करके आई हूँ, और फोन ऑन ही नहीं हुआ, फोन बहुत ही लेगा अभी, अब हम आ चुके हैं मेहंदी लगवा के घर, और अभी मेहमान हमारे आए नहीं हैं, आने वाले होंगे तो उससे उनसे पहले हम आ चुके हैं, हमने बोला था ना 5:05 हम जल्दी आ गए, और वो अभी तक नहीं पहुँचे, देखो वो कितने देर में पहुँच रहे हैं, तब तक मैं मेरे हाथों में देखो मनीषा होती था ना अच्छी तरह वीडियो बनाती, वो ये प्रदीप का था ऐसा ही काम है, मनीषा भी आई नहीं है कॉलेज से, आने वाले होंगे वो भी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं तब तक इनके पैर कुछ लगा लेती हूँ, नहीं तो ये गिर जाएगी चढ़ के, अब हमारे मेहमान आ चुके अवनी है, ये मनीषा है, ये बुरनो है, ये है मा...
किसकी है? कुछ कौन दिख रहे? तो ये दुग्गू है, ये दुग्गू की रिक्शा है, ये दुग्गू मुग्गू है। पीपी भी कर रहा भाई, वो पीपी कर रहा भाई। दुग्गू ओए दीवान से, ओ दीवान से इतना कोई रोया भी करके देख। हेलो देख, हेलो क्या बात है भाई, क्या बात है जीती भाई। ले भाई नुगा क्यों पर आई पैंट पसंद नहीं आई पैंट तेरी, पैंट पसंद नहीं आई इसलिए सुसु कर दिया, मना कर रहा था। सुसु करा थी बेटा पैंट बदल लगी थी। चेंज ना, चेंज पसंद नहीं आया। चलिए कर लेते हैं अभी काम, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं भाई। गोलगप्पे वाला बन रही है मनी सास तो, और गोलगप्पे सब ने खा लिए थे, मेरी माँ ने भी खा लिए, वो दिखा रही मंजूत ना है। और हमने गोलगप्पे का वीडियो नहीं बनाया, तो इनकी दादी खा रही है, नहीं ना खा लिए गोलगप्पे सब ने, अब नहीं भी खा गई। और गीतांजलि प्लेट में ले बैठी है, सोचा मुंह लेके दिखाई गीतांजलि। नानी अच्छी लग रही है, नानी गोलगप्पे खा चुकी है, पापड़ी खा रही है। पापड़ी चाहिए थे ये गोलगप्पे वाले, मणिपुर नो बैठ कर बेटा। ये भाई साहब गोलगप्पे खा के सो गया, यो खा गया एक। ले गई मुंह में दिखा बुनो, देख ले भाई गोलगप्पे खा गई बिना वीडियो बनाए। तू भी खा ले मनी साहब, थोड़ी मीठी चटनी भी डालना, थोड़ी मीठी चटनी ते दादी ने खवा दे मनी साहब का। दादी आ जाओ, ले तू खा ले कटोरी लेके आ जाओ। मम्मी इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ये ज्यादा डालो ये कम डालो मीठा पानी कम तीखा ज्यादा, और मिर्च गिर होगी इसमें ना, अच्छे बन गए क्योंकि मार्केट से दादी ने बता, मार्केट का पानी था ना उसमें मैंने घराला वो मिला दिया ना मसाले, तो अच्छा बन गया, फिर नहीं तो उसका काम नहीं चलना था। ते दादी खड़े गोल पे खा गए और ले ले, और बनाओ तेरी बाजार में खानो तो ठीक से। अरे ये फ्राई फ्राई वाले गोल पे हैं, दे 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 की तांजलि ने, बस गोल का पत्ता ले ले। ना मुंह मत कौन जड़े भाई, क्यों गया क्या दिशा के खा लिया प्रदीप है, जल्दी आ गोलगप्पे आगे मनीषा ने खा लेने। चटनी मटर पनीर की सब्जी जो कि अभी बनने वाली है, दादी भी होगी पूरा काम खत्म हो चुका है, सारे लोग सारे मतलब सभी ने खाना वाना खा लिया है, सारे अपने अपने बिस्तरों में जाके सो चुके हैं और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अभी 11 बज चुके हैं रात के, और सुबह थोड़ा जल्दी उठ के जाना पड़ेगा मैं माता रानी के दरबार में। अब रात में नहीं जा रहे क्योंकि रात में बोल रहे थे पहले थोड़ी देर सो जाते हैं, पहले 3 बजे के बाद देखो कितने बजे उठेंगे, जब नहा धो के फिर जाएंगे हम माता रानी के दरबार में। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हमारे ब्लॉग देखते रहें। बाय, गुड नाइट।